नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिबिया जलालपुर गांव रूपपुर में बिजली का तार शॉर्ट हो जाने से सड़क किनारे पशु गाय भैंस आग से बाल बाल बचे। गांव के अंदर जलालपुर रघुवीर सिंह के सामने सड़क पर बिजली के एलटी लाइन निकली हुई है। बिजली के तारों पर कौवे बैठे हुए थे, उनके उड़ते समय अचानक फॉल्ट होने से बिजली का तार शॉर्ट हो गया। एलटी लाइन में आग लगते ही आग ने अपना रूप ले लिया। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया, आग लग जाने से पशु गाय भैंस बाल बाल बचे। गांव वालों लाइन मैन मनी राम द्वारा लाइन कटवाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गांव के लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया। गांव के स्थानीय लोगों ने बताया, सड़क किनारे पशु गाय भैंस व कुछ लोगों का जरूरतमंद सामान रखा था। बिजली विभाग की लापरवाही साफ देखी जा सकती है, ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। जी आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? लौधरी। जी, ये पोल में आग लगी, सबसे पहले किसने देखा है? पहले हमने। अच्छा, मैदियां बगाई जी, इसमें कोई घाटा तो नहीं हुआ? जानवर वानवर बंदे थे वो कहाँ करे, आपने भगा दिए यहाँ पे बंदे रहे, भगा दिए जी। और आपका भाई साहब नाम क्या है? पुष्पन जी। सबसे पहले यहाँ आग लगी किसने देखा है? हमने भी देखा है, हम मौके पे आ गए जी। आग कैसे जल रही थी? आग धूं धूं करके जलने लगी और जानवरों को खतरा था जी। ठीक है, कौन सा गांव है ये? रूपपुर जी। पोस्ट क्या लगता है? बिबिया जलालपुर जी। ठीक है,